नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज संथाल परगना में आपका स्वागत है। पोड़िया हाट के युवक ने उड़ीसा में झारखंड का लोहा मनवाया। खबर गोड्डा के पोड़िया हाट से है। पोड़िया हाट निवासी सचिदानंद दास के पुत्र हरि कुमार उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित कार्यपालक अभियंता की परीक्षा में 114 अंक प्राप्त कर अपने जिला के साथ साथ राज्य का भी नाम रोशन किया है। गोड्डा स्थित नवोदय विद्यालय से 10वीं परीक्षा में 95% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर रहे। हरि का प्रारंभिक शिक्षा SRT पब्लिक स्कूल से की, तत्पश्चात रांची स्थित नवोदय विद्यालय से 10वीं की परीक्षा 88% अंक प्राप्त करने के पश्चात कोलकाता स्थित यादव यूनिवर्सिटी से BTech की पढ़ाई पूरी की, जबकि MTech की पढ़ाई दिल्ली IIT से की। उनकी नियुक्ति ओडिशा सरकार में जल संसाधन विभाग के सहायक कार्यपालक अभियंता के रूप में की गई है। सेवानिवृत्त शिक्षक को दी गई विदाई। पोड़ियाहाट प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय बालक परिसर में सेवानिवृत्त शिक्षक भीम रविदास व नूतन कुमारी को विद्यालय परिवार की ओर से विदाई की गई। समारोह का आयोजन जिला शिक्षा अधीक्षक फूलमणि खाल को उपस्थित हुई, वहीं छात्र छात्राओं ने विदाई गीत गाया। DSC ने कहा कि सेवानिवृत्त होना एक सरकारी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते हैं, हमेशा समाज के बीच अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। वहीं प्रधाना अध्यापक गोपाल पाठक ने कहा कि उन्हें हमेशा विद्यालय उनको याद करता रहेगा। मौके पर गोपाल पाठक, BEO दिलीप मांझी, प्रभाकर कुमार आदि मौजूद थे। पर गोड्डा के पोड़ियाहाट से ही है। जिला प्रशासन का ग्रामीणों ने किया विरोध। मामला सरकारी जमीन पर हो रहा राम मंदिर का निर्माण से लेकर है। पोड़ियाहाट प्रखंड के माधुरी गांव में सरकारी जमीन पर हो रहे राम मंदिर निर्माण को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर गुरुवार को पहुंचे CEO प्रदीप कुमार शुक्ला को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए CEO सहित पुलिस बल वापस सुलौट आई। हालांकि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ महिला सिपाही उपस्थित रही। वहीं पुलिस प्रशासन के गांव पहुंच कर निर्माण हो रहे राम मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किए जाने की भनक मिलने ही ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान अंचल पदाधिकारी की एक न चली और वे बैरंग लौट चले आए। पर खेल से 9 प्रभात मिशन का विजय अभियान जारी। जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आयोजित रितेश मेमोरियल स्कूल क्रिकेट लीग में गुरुवार को Super 3 का मुकाबला में 9 प्रभात मिशन एवं मधुस्थली पब्लिक स्कूल के बीच हुआ। 9 प्रभात मिशन ने 27 रन से विजय हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 प्रभात मिशन ने 25.3 ओवर में 160 रन बनाए। उमर साध ने 47 रन, आशीष ने 25 रन के लिए बनाया। मधुस्थली टीम के नितिन कुमार ने 4 विकेट व शुभम राज ने 3 विकेट हासिल किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मधुस्थली की टीम 21.2 ओवर में 133 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। खबर अब दुमका से। चोरी का बुलेट चलाने वाला ASI सस्पेंड। चोरी हुई बुलेट की सवारी करने वाले ASI अखलाक खान को गुरुवार को SP अंबल लखड़ा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन्होंने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी नगर थाना के थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार को सौंपा। अखलाक दुमका के मुफसिल थाना में पदस्थापित है। दरअसल इस बात का भंडाफोड़ बुधवार को उस वक्त हुआ जब वह दुमका स्थित बुलेट शुरू में सर्विसिंग कराने गया था। इसी क्रम में यह बात सामने आई कि बुलेट चोरी की। शोरूम द्वारा रूटीन प्रक्रिया के तहत बुलेट नंबर के आधार पर असली मालिक तक SMS भेज दिया और एक SMS से पूरा मामला सामने आ गया। किसी भी सूरत में बच्चों के भविष्य के साथ नहीं होगा खिलवाड़, शैलेंद्र कुमार। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के निदेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन से संयुक्त सचिव सह आकांक्षी जिला के प्रभारी पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने शिकारीपाड़ा प्रखंड का भ्रमण किया। इस दौरान शैलेंद्र कुमार ने शिकारीपाड़ा में बालीजोर पंचायत अंतर्गत कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। लोहे के रोड से सिर पर मारकर किया गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोंडिया पंचायत के बोड़िया गांव के 42 वर्षीय बुल्लू कापरी को उसके ही गांव के रोहित मांझी ने सिर पर लोहे के रोड से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। बुल्लू कापरी द्वारा शोर मचाने पर वह भाग गया। परिजनों ने बुल्लू कापरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ में भर्ती कराया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज हेतु दुमका रेफर कर दिया। खबर देवघर से है। भारतीय स्टेट बैंक ने देवघर के निर्माणाधीन एम्स को दी बस। देवघर के देवीपुर में केंद्र सरकार द्वारा निर्माणाधीन आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स परिसर में गुरुवार को एम्स निदेशक डॉक्टर सौरभ
बसरे और भारतीय स्टेट बैंक के पटना जोन के मुख्य प्रबंधक महेश गोयल पहुंचे। स्टेट बैंक के देवघर स्थित क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के CAR कार्यालय के तहत बैंक प्रबंधन ने एम्स प्रशासन को 50 सीट वाली बस यात्री उपलब्ध कराई। अलाव तापने के दौरान जलने से दो की मौत, दो घायल। दिसंबर के महीने में शीतलहर के कहर से बचने के लिए अलाव तापने के क्रम में जलने वालों की संख्या बढ़ गई है। एक सप्ताह के अंदर 7 लोगों अलाव तापने के क्रम में जख्मी होने की सूचना है। इनका इलाज सदर अस्पतालों और निजी अस्पतालों में किया जा रहा है। बुधवार की शाम वो भी अलाव तापने के क्रम में जलने से 2 महिलाओं सहित 4 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 1 महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 जख्मी लोगों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। संथाल परगना सहित राज्य में मिले 177 संक्रमित मरीज, जाने राज्य की ताजा हालत। झारखंड में गुरुवार को कोरोना के 177 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में सबसे ज्यादा 78 संक्रमित रांची में मिले हैं। वहीं रांची में 2 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 1016 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक राज्य में कुल 113,786 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 111,175 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। नए संक्रमित मिले हैं बोकारो से 77, चतरा से 1, देवघर से 7, धनबाद से 9, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 24, गिरिडीह से 3, गोड्डा से 2, हजारीबाग से 5, जामताड़ा से 1, खूंटी व लोहरदगा से 3-3, पलामू से 5, रामगढ़ से 7, रांची से 78, सिमडेगा से 5 और पश्चिम सिंहभूम से 4 संक्रमित मिले हैं। बच्चों की कम उपस्थिति पर नाराज हुई DO। खबर पाकुड़ के हिरनपुर से है। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनी देवी ने गुरुवार को प्रखंड के डांगापाड़ा स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। यहां बच्चों की कम उपस्थिति देख DO ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। DO ने कहा, 10 में जाकर पठन पाठन की स्थिति देखी, 61 में से मात्र 26 बच्चे उपस्थित मिले। इस पर काफी नाराजगी जाहिर करते हुए उपस्थिति बढ़ाने का सख्त निर्देश दिया। कई बच्चों की मास्क नहीं पाए जाने पर तुरंत वितरण करवाया गया। DO ने बच्चे से पठन पाठन की जानकारी ली। कीमती मशीनें व कलपुर्जे ले गए चोर। न्यायालय के आदेश के बाद 1 अप्रैल 2015 से बंद पड़े अमड़ापाड़ा स्थित पचुवाड़ा सेंट्रल हॉल ब्लॉक में पिछले विगत 5 वर्षों से कीमती मशीन व कलपुर्जे की चोरी हो रही थी। इसका खुलासा बुधवार को हुआ। कंपनी में कार्यरत नाइट गार्ड के हटने के बाद चोरों ने तेजी से घटना को अंजाम दिया। अब तक 79,061 करोड़ की मशीनें, कलपुर्जे, बैटरी, TV, पंखा, खिड़की, दरवाजा तथा अन्य सामान की चोरी हो गई है। जामताड़ा से है, क्रिसमस की तैयारी पूरी, बाजारों में रौनक। जिले भर में 25 दिसंबर यानी आज हर्षोल्लास के साथ प्रभु यीशु का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। ईसाई समुदाय की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जामताड़ा के बुधुडी बेवा चर्च सहित अन्य गिरजाघर में रंग रोगन भी पूरा हो चुका है। बाजारों में भी काफी चहल पहल दिख रही है। हर वर्ष सैलानियों को लुभाती नारायणपुर की वादियां। नारायणपुर की प्राकृतिक वादियों पर हर कोई दीवाना है और फिदा भी। यहां ठंड में घूमने के लिए लोग नए वर्ष पर पिकनिक मनाने व घूमने के लिए आते हैं। आप भी इसका आनंद लेना चाहते हैं तो नारायणपुर के ब्राकर नदी के हरिहरपुर, नौघट्टा, करमादहा, घटियारी गांव, घाटी जंगल व अमजर पहाड़ी जा सकते हैं और मजे ले सकते हैं। केवल बाड़ी में अवैध कारोबारियों के घर पर छापेमारी। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के देवलबाड़ी ग्राम में अवैध रूप से कोयला, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, लकड़ी का कारोबार होने को गुरुवार को पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने प्रशिक्षु IPS सुभांशु जैन की अगुवाई में गुरुवार सुबह हुई छापेमारी में 660 लीटर किरोसिन, 100 लीटर डीजल, 60 लीटर पेट्रोल, 50 बोरी कोयला, 3 ट्रैक्टर लकड़ी, 40 लीटर किरोसिन सहित 1 बोलेरो जब्त किया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।